वेतुम यत्र पुरम हरेणारिणा व्याजात् बलिं बध्नताम् स्रष्टुम् वारिभवोद्भवेन भुवनम् शेषेण दर्तुम् धराम् पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये देवता पञ्चजरेण विश्वजितये पायात् सनागाननः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायण समारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् असितगिरिसमम् स्यात् कज्जलम् सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखनीपत्रमोर्वी लिखति यदि गृहेत्त्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानाम् एष पारम् न याति ॐ आत्मा त्वम् गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम् गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधे स्थिते संचार पतयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वादिरो यदि कर्म करोमि तत् अखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् भगवती माँ पराम्बा जगज्जननी राजराजेश्वरी जिनकी उपासना सभी ब्राह्मणों ने नव वर्ष के प्रारंभ में नूतन नवरात्रि में यथा शक्ति यथा भक्ति अपने प्रेम के अनुसार सेवा करी उनकी बड़ी प्यारी स्तुति है मानस में। तो लेकिन यदि हम कोई कार्य प्रारंभ करने जाएं तो पहले हम भगवान गणपति की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना भगवान गणपति के कोई भी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न नहीं होता, इसलिए भगवान गणपति की वंदना अत्यंत आवश्यक है। सभी भक्त बार बार भगवान गणेश को पुकारते हैं, मनाते हैं, और हमारे ब्राह्मण देवता तो आजकल बड़ी सुंदर बड़े सुंदर सुंदर के भजन को आरती के तौर पर गाते हैं। बहुत सुंदर भजन है, उसको गाने मात्र से कल्याण होगा, बहुत प्यारा भजन है, आप सुनिएगा गाइएगा, बहुत सुंदर। क्या शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय हो वे शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी Oh.
तुम चंद्रमा तुम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरूप। वही भगवान गणपति, देखिए गणपति वो नहीं जिनकी, जो भगवान शिव और माता गौरी के पुत्र हैं, इन जिन गणपति की हम वंदना कर रहे हैं, ये साक्षात परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म है। इनके बारे में महाराष्ट्र में या कि हर जगह एक भगवान गणपति के अभिषेक के निमित्त, उनकी सेवा के निमित्त एक स्तुति है, क्या उसे गणपति अथर्वशीर्ष कहते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है क्या कि हे भगवान गणपति, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो और आप ही शिव हो, मतलब इंद्र वरुण सब आप हो, त्वमेव सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। वो ब्रह्म जिसकी उपासना वेदांती जन करते हैं, वो ब्रह्म जिसकी उपासना साधु संत जन करते हैं, वो परमात्मा जिसकी उपासना भक्त जन करते हैं, वो भगवान, वो कौन है तो महागणपति है। वो एक है जिसकी उपासना आजकल शिरडी में लोग खूब जाते हैं पैदल चल चल दर्शन करने। तो शिरडी वाले जो बाबा जी है ना, तो शिरडी वाले बाबा जी क्या करते हैं, एक सूत्र देते हैं, सबका मालिक एक एक, तो वही एक कौन है, वो महागणपति है। उनकी उपासना भगत जन क्या गाते हैं, ब्रह्मा बन के करता हो तुम, ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन के भजता हो तुम, विष्णु बन के भजता हो तुम, शिव शंकर बन संहारक हो, शिव भगवान गणपति ही विराजमान है। भगत जन गाते हैं क्या, हर डाल में तुम, हर पात में तुम, हर डाल में तुम, हर पात में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम, संसार के बस एक तार हो तुम, संसार के बस एक तार हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो, निवनंदन तेरे नंदयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। गणपति गजानन भगवान की जय। भगवान गणपति प्रथम पूज्य है, लेकिन हमको पंच देवताओं की उपासना करनी चाहिए। भगवान गणपति को यदि प्रसन्न करना है तो गणपति संकष्ट नाशन स्तोत्र है। बैठ जाइए, धन्यवाद। गणपति संकष्ट नाशन स्तोत्र है, या तो उसका पाठ करिए, या तो गणपति जी का मंत्र है गणपति अथर्वशीर्ष, उसका पाठ करिए, या अगर कुछ नहीं आता तो ओम गण गणपतये नमः जपिए। गणेश जी कौन है, तो गणेश जी बुद्धि के स्वामी है। बुद्धि यानी कि अगर आप गणेश जी की सेवा करोगे तो आपकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज बनेगी, विवेकी बन जाओगे आप। विवेकी बन जाओगे तो विवेक होने पे ही सत्संग मिलता है, विवेक होने पे ही जीवन सरल सुगम बनता है। तो इसीलिए प्रयास क्या होना चाहिए, गणेश की उपासना ही करनी चाहिए पहले, ताकि बुद्धि शुद्ध होगी तब ना कोई काम आगे बढ़ेगा, इसलिए गणेश जी को उपासना। अब गणेश जी की वंदना आप करते हो तो गणेश जी के परिवार में कौन कौन है, उनकी दो पत्नियां हैं, उनके दो पुत्र हैं। कौन है दो पत्नी, रिद्धि का मतलब होता है कुशलता और सिद्धि का मतलब होता है सफलता। तो गणेश जी की सेवा यदि आप और हम करेंगे तो हमारे जीवन, हम जो भी कर्म करेंगे गणेश जी का आशीर्वाद हुआ तो कुशलता पूर्वक, मतलब बढ़िया एकदम कुशलता पूर्वक करेंगे, नीट एंड क्लीन, चकाचक बढ़िया से अगर आप कुशलता पूर्वक कर्म करते हो तब जाके आपको कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन, ये बात है। आप कर्म कर सकते हो लेकिन फल तो आपको भगवान देंगे। तो आप जब कुशलता पूर्वक कर्म करोगे तब जाके, जब जाकर मैया सिद्धि कृपा करेंगी और कृपा करेंगे तो क्या होगा, हमको सफलता मिलेगी। गणेश जी का परिवार ही आपके काम को कुशलता पूर्वक निर्वहन करा सकता है, उन्हीं के आशीर्वाद से आपको सफलता मिलेगी।
अब सफलता मिल गई तो क्या होगा, आप जो काम करोगे वो शुभ हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ना भैया श्री गणेश कर लो, श्री गणेश कर लो, श्री गणेश करना मतलब जहां हाथ डालो शुभ होगा। क्यों? उनके बेटे हैं गणेश जी के, दो बेटे, एक शुभ और एक लक्ष्मी। हाथ डालते ही काम शुभ हो गया, और शुभ हो गया तब जाके आपको उस कर्म से आपको लाभ मिलेगा। जीवन में आप जहां जाओगे वहां लाभ ही लाभ मिलोगे। भगवान का भक्त का कभी अलाभ नहीं होता, अभाव नहीं होता, उसको हमेशा चकाचक जो मिलता है सब भगवान का प्रसाद ही मिलता है। ये भगवान गणपति। अब ऐसे ही दूसरी स्तुति है कौन, तो भगवान माता गौरी, पंच देवताओं का हम आचरण।